बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, W+G लोगो डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको किसकी मदद से आज क्रिएट करने वाला हूँ, एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज इसको क्रिएट करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम इस तरह जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ, और आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आप W+G को कैसे क्रिएट करेंगे एक ग्राइंड मेथड की मदद से। ओके, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस लोगों को क्रिएट करके। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहले हैं तो ज़बरदस्त, अगर नहीं न्यू है तो उनको मैं आप लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपको बहुत इजी मेथड जो है वो आप लोग को बता दूं, एक एक चीज़ आप लोग को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाता हूँ, ठीक है, और क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो गाइज, आप कर वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो को लास्ट में। तो गाइज़, आज उन लोगों के मज़े हैं जिनका ये W+G जो है वो कंपनी नेम या कोई ब्रांड नेम बनता है, उनके लिए आज बहुत मज़ा। और आज उनको जो है वो मैं आइडिया दे देता हूँ कि आप अपनी कंपनी का लोगो ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आप कर वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो लास्ट में। तो गाइस, जो आपके फेवरेट कलर हैं आप उनको पहले, अगर इसमें ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं वो कर लें, अगर इसको सिंपल रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। सो गाइस, चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपना ग्राइंड जो है वो स्केच जो है वो रेडी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक लाइन मैंने क्रिएट की और इसका साइज़ 1 पॉइंट करके ब्लैक कलर इसमें फिल किया, और इसको करूँगा डुप्लीकेट। ओके, दैट्स गुड। करने के बाद अब इसको हम करेंगे गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसको रोटेट कर देंगे। ओके, 180 के एंगल पे। तो बिल्कुल आपने इसी तरह इसको रेडी कर लेना। अब हमने गाइस क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट एंगल टूल लेना है, और इसकी मदद से यहाँ पे आपने एक बॉक्स यहाँ पे रेडी कर लेना है। ओके, दैट्स गुड। और एक और हमने करना है, और इसको हम करते हैं डुप्लीकेट, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसकी वैल्यू को कम कर लेंगे। ओके, यहाँ पे अब इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, और इस तरह कर लेंगे, बिल्कुल हर तरफ से बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, जिस तरह के मैंने ये यहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट जो है वो क्रिएट की है। अब गाइस, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे डायरेक्ट सेशन टूल की मदद से जो है वो इसको कुछ यूँ क्रिएट कर लेना है। ओके, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का ये है तो पंगा ही है, बट बहुत मज़ा आने वाला है। इसको भी हम क्रिएट करेंगे, ओए माय गॉड, इसको यार इधर लेके आना है, ठीक है, तब जाके ये क्रिएट होगा। ये जो लाइंस है ना सेकंड वाली, यहाँ पे लिखे आना, अब इसको मैं करूँगा ऐसे। ओके, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो आपने गाइस ये वाला स्केच रेडी कर लेना, जिसमें हमने अपना लोगो W+G को क्रिएट करना है, ठीक है। ओके, अब इसको सेलेक्ट करेंगे और शेप टूल करें, और गाइस मज़े की बात है, इसमें अगर आप ग्रेडियंट कलर करना है वो भी कर रहे हैं, अगर सिंपल रख रहे हैं ना वो भी आप करेंगे, जो भी आप करेंगे बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं, चले आज रेड को कर लेते हैं। ओके, तो गाइस अब आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, ताकि आप लोग को हर चीज़ की समझ आ सके, ठीक है। तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, यहाँ से मैं पहले W को क्रिएट करता हूँ। ओके, अब गाइस अगर तो आप, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके पास 10 लाइंस होती तो फिर आपने W और G को अलग अलग कर लेना था। इधर मैंने 8 लाइंस क्रिएट की हैं, और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ वो आप लोगों ने समझना, ठीक है। मैं इसको इसके साथ ही बिल्कुल अटैच करूँगा, ठीक है, W को और G को बिल्कुल साथ क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। अब हमने करना है W को, पहले हमने यहाँ तक क्रिएट किया, अब यहाँ से यहाँ तक आपने क्रिएट कर लेना है। अब इसको आपने ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है, ना इसके साथ आपने अटैच करना, ठीक है, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने G को क्रिएट करना है, और G को यहाँ पे यहाँ तक, ओके दैट्स गुड, और G को यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ तक। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों ने मेथड को समझना, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इसको, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना आपने खुद इनको देख लेना, अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं तो आपका लोगो जो है वो यार ख़राब हो सकता है, सो इसलिए आप केयरफुल रखें। अब गाइस अगर मैं इसको यहाँ पे ही G को छोड़ता हूँ तो ये मेरा C जो है वो क्रिएट हो जाएगा, बट मुझे करना है G को क्रिएट, तो यहाँ पर मुझे एक लाइन की नीड पड़ेगी और यहाँ पर मैं उसको क्रिएट कर दूँगा। ओके, करने के बाद अब गाइस मैं इसको सेलेक्ट करूँगा दोबारा और शेप टूल को लूँगा,
ओके और रेड कलर फिल कर लूँगा। अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ओके दैट्स गुड। तो ये अब जहाँ हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो जी लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना गाइस, इसको हमारा लोगो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसको हम करेंगे एक साइड पे और एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर देंगे और इसको हम कर देंगे आउटलाइन को ऑफ, ओके। अब गाइस बात आती है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना, अब इसको मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, ज़्यादा हो गया बट थोड़ा सा लेके आना है आप लोगों ने, अगर ज़्यादा करते तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यार थोड़ा सा नीचे आपने लोगों ने इसको रखना है, ठीक है। मेरी सेटिंग थोड़ी सी वहाँ पे मैंने ज़्यादा की हुई है सो इसलिए ये ऊपर चला गया। अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस के करेंगे तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सॉरी, तो यहाँ पे आप इसके कीबोर्ड की सेटिंग थोड़ी कम करके तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस की के करेंगे के, ठीक है, कंट्रोल प्लस के को करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब मेरे पास 20 है तो 20 की जगह आप कोई और भी लगा सकते हैं, 10% 5% पिक्सल लगा के तो इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है क्योंकि मुझे फिर दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, अगर ऊपर चला गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लोगो जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब गाइस हम इस पर एक बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कितना ईजी था इस लोगों को क्रिएट करना, क्या जस्ट अपने माइंड को आपने इसको क्रिएट करना है, ठीक है। अब वाइट रखना है तो वाइट रख लें, अगर इसको आपने कोई ग्रेडिएंट कलर करना है तो वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और नीचे आप अपनी कंपनी का नेम वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। अब ये देखें, अगर आपने ये कलर करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे यार आप टैग लाइन वगैरह जो है वो जो भी आप लोगों ने लगाना वो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे हमारा W और G हाँ हमने क्रिएट किया। और अगर आपने इसको अलग क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और लाइंस का क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके ये W भी जो है वो सेपरेट होगा और G भी सेपरेट होगा। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट नहीं करना चाहा क्योंकि मैं इसको इसके साथ ही जो है वो अटैच करना चाहता था, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा और यहाँ पे मेरे माइंड में यही आइडिया है, सोचा आप लोगों के साथ जरूर इस तरह ही शेयर करना चाहिए जैसा मैंने सोचा उसी तरह, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस अगर आप भी अपनी कंपनी का लोगो या डिज़ाइन कोई क्रिएट करवाना चाहते हैं तो ईमेल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन में या कोई लोगो में प्रॉब्लम आती है तो यार आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो गाइस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और गाइस हाँ, मैंने एक वीडियो और अपलोड की है अपने न्यू चैनल की, जो इंशाल्लाह वो मैंने क्रिएट करना है और उसका लोगो मैंने क्रिएट किया है तो मुझे याद नहीं रहा उसमें, तो मुझे यार अगर आप वो देखते हैं ट्रिगर ग्राफिक्स मैं उसका नाम रखना चाह रहा हूँ और T+G को मैंने क्रिएट किया है, तो यार वो मुझे आप लोगों ने ज़रूर मेरे थंबनेल के ऊपर लिखा भी होगा इंशाल्लाह, तो आपने मुझे वो बताना है कि ये मेरा लोगो कैसा रहेगा और मेरा चैनल मतलब ये नाम कैसा रहेगा, वो मुझे आप लोगों ने ज़रूर यार कमेंट करके मुझे बताना है कि ये मेरा चैनल का नेम और लोगो कैसा रहेगा T+। अगर नहीं तो मैं इसी वीडियो में ऊपर आइकन आपको बटन नज़र आ रहा है उसमें मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और वीडियो को देख के आपने मुझे बताना है कि वो लोगो आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया। वो मैं अगर अपना लोगो मैंने जो क्रिएट किया है अगर वो मैं रखता हूँ मतलब सेट करता हूँ अपने चैनल पर तो कैसा रहेगा, तो यार आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।